रतन टाटा यानी कि टाटा ग्रुप जल्दी एप्पल की एक फैक्ट्री अपने नाम कर सकता है। दरअसल टाटा ग्रुप ताइवान की कंपनी पेगाट्रॉन के साथ उसकी चेन्नई वाली फैक्ट्री में मेजॉरिटी स्टेक लेने के लिए बातचीत कर रहा है। पेगाट्रॉन इस फैक्ट्री में अपनी हिस्सेदारी बेचकर एप्पल के साथ अपनी पार्टनरशिप को सीमित करने पर ध्यान दे रहा है। इससे पहले टाटा ग्रुप एप्पल की एक और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर विस्ट्रॉन को खरीद चुका है। मान लीजिए अगर दोनों ग्रुप के बीच डील हो जाती है तो टाटा ग्रुप की इस जॉइंट वेंचर में 65% हिस्सेदारी होगी, यानी मेजॉरिटी स्टेक टाटा ग्रुप का होगा। पेगाट्रॉन इस प्लांट को चलाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट देगी, जबकि टाटा ग्रुप इसे पूरी तरह से ऑपरेट करेगा। इस डील के मुताबिक टाटा ग्रुप इस जॉइंट वेंचर को अपनी कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर पूरा कर सकता है। आईफोन ब्रांड के मालिक कंपनी एप्पल भी चाइना और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर रहा है और इसीलिए शायद इंडिया के ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा है। वहीं चाइना के अलावा दूसरे देशों में अपनी प्रोडक्शन लाइन बढ़ाने पर फोकस भी कर रहा है। आपको बता दें कि पेगाट्रॉन के भारत में लगभग 9,500 कर्मचारी हैं और वो सालाना लगभग 45 लाख आईफोन बनाती है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। पेगाट्रॉन एप्पल के 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है जिन्हें स्मार्टफोन PLI स्कीम के तहत चुना गया है। अब इस पूरी डील के हो जाने के बाद एक उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले समय में इंडिया में एप्पल के स्मार्टफोन्स और भी सस्ते हो सकते हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के जरूर बताएं।